लगा। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। परेशानी यही है, राशन की दुकान है, गेहूं वितरण कर रहे हैं, पर परेशानी यही होती है कि आप गवर्नमेंट ने फिंगर लगाने का हमको बोल दिया है, हम फिंगर लगा रहे हैं तो किसी कस्टमर को 10-10, 15-15, 20 मिनट नहीं आता है, किसी का आधार से लिंक नहीं हो पाता है, बहुत सी परेशानी आ रही है। और जिस तरह कोरोना का जो अभी महामारी का वो चल रहा है, उस हिसाब से अंगूठा लगा के हमारे को भी दिक्कत हो रही है, हमारी भी सेफ्टी नहीं है, प्लस जो अंगूठा लगाता है उनकी भी सेफ्टी नहीं है। हर बार सैनिटाइजर छिड़को, फिर अंगूठा लगाओ, सैनिटाइजर छिड़को, इसी तरह फिंगरप्रिंट आ जाते हैं क्या सैनिटाइजर लगाने के बाद? नहीं नहीं आते, सैनिटाइजर छिड़कने के बाद उसको गीला करके उसको कॉटन से पोंछते हैं, उसके बाद जाके फिर 5-10-15 मिनट बाद फिंगरप्रिंट आते हैं। तो कस्टमर में ही परेशानी है, और ये अभी नई योजना और चाली है उसके भी कस्टमर परेशान करते हैं, गेहूँ के 15 तारीख बाद जो भी योजना चलाई है अभी ये गवर्नमेंट ने, परेशानी तो है ही, और हमारी भी सेफ्टी हमको भी चाहिए, परिवार है हमारा भी, हम भी परेशानी है एक तरह से देखा जाए तो। एक कस्टमर को कितनी देर लग जाती है? एक कस्टमर को कम से कम किसी को 15 मिनट लग जाती है, किसी को 20 भी लग जाती है, तो किसी का एक पहले तो आता सारा ऑनलाइन था, आधार कार्ड से लिंक था तो फटाफट हो जाता था, होम डिलीवरी थी, सबके घर पहुँचा देते थे तो आधार कार्ड से हो जाता था। कहना चाहोगे सरकार से? कहना यही चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरह से फिंगर लगाने का वापस रखा है, हम चाहते हैं कि फिंगर हटा के वैसे ही ऑनलाइन किया जाए, तो कम से कम जब तक ये महामारी चल रही है तो सब परिवार भी सेफ, हम पब्लिक भी सेफ और आस पड़ोस भी सेफ। दुकान कौन सी है? दुकान राशन की दुकान है, 6 से घनश्याम शर्मा। दुकान नंबर? 18-848। Thank you.